नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश, आज हम लोग डिस्कस करेंगे IBSIO जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो उसका स्ट्रैटेजी आपको कैसे लेना है। देखिए, इसमें जो है एसेज है 30 मार्क्स का, और आपका कंप्रिहेंशन एंड प्रेसी दोनों मिला के है 20 मार्क्स का, और आपको टोटल टाइम जो है 60 मिनट्स ही मिलेंगे। तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, 60 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको फिर ऐसे सोचना है, लिखना है अराउंड 400 वर्ड्स, इससे पहले था, अभी देखिए कितना करता है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 400 वर्ड्स में आपको लिखना है। उसके बाद आपको कंप्रिहेंशन पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको आपको आंसर करना है, उसके बाद प्रेसी भी आपको करना है। तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, आपको अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर पाएंगे। तो हम लोग स्ट्रैटेजी देखिए क्या है। पहले ऐसे की हम लोग बात कर ले, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो करना है वो आपको इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छा करना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको वोकैब बहुत अच्छा करना है दोस्तों। वोकैब पे बहुत जोर दीजिए, न्यूज़पेपर अच्छा से पढ़िए, उसमें से जो भी वर्ड्स मिलते हैं, नए नए वर्ड्स, जितने वर्ड्स आप अच्छे लिखेंगे उतना जो एग्जामिनर होगा उसके इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, और आपका स्कोर जो है अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं लिखना है, सो दैट आप ऐसे वर्ड्स लिखे जो आपको ईजिली आप उसका यूजिंग जो है वो अच्छा नहीं कर पाए, या इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए जो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी लिए क्या है, आपको वोकैब करना है बट जो चले अच्छा से, ठीक है। और ऐसा भी नहीं जो उसका कोई अफेक्ट वर्ड, अगर कोई गलती से आपने वर्ड तो पता हो गया लेकिन उसको यूजिंग कैसे करना है वो आपने गलत कर दिया, तो आपका मार्क्स जो है वो स्कोर में ज़रूर पड़ेगा। तो आपको राइट वर्ड भी चूज़ करना है, उसका राइट यूजेस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैसे स्टार्ट करना है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए स्मॉल पैराग्राफ के ऊपर, कोई भी छोटा छोटा टॉपिक ले लीजिए, करप्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, छोटा छोटा टॉपिक लेके उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई सर है तो उनसे चेक करा लीजिए, कोई एक चेक करेंगे, कोई फ्रेंड है घर में कोई भी है, आप उसे चेक करा लीजिए। सो दैट क्या होगा, वो आपको क्या गलती हो रहा है वो आपको अच्छा से बोल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुड इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, विल हेल्प यू टू पुट योर आइडिया फर्मली। तो आपको एक आप जो बोलना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन भी अच्छा से होना चाहिए, और उसका कंक्लूजन भी होना चाहिए। आप जो आइडिया देना चाह रहे हैं तो वो एकदम क्लियर रखिए, अपना बेसिक अच्छा से कीजिए, ठीक है। और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स। आपको देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना है और जो भी करंट अफेयर्स है, क्योंकि देखिए आईबी का जो एग्ज़ाम है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का भी, जो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर अपलोड किया था उसमें भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उसमें भी आप देखेंगे तो एकदम नॉर्मल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। तो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आईबी जो जॉब ही है वो नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड है, तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर आपको अच्छा करना पड़ेगा। और आपका हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है नेशनल इंटरनेशनल, वो भी आपको अच्छा से नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी आपको ऐसे कोई टॉपिक उठा के दे सकता है, ठीक है। जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये सब आ सकते हैं। अच्छा, जब नोट्स बनाएंगे कोई इवेंट, इंपॉर्टेंट कोर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, उसके ऊपर नोट बनाइए, और एक ओपिनियन बनाइए फॉर और अगेंस्ट में, ठीक है। जैसे आपने कोई टॉपिक ले लिया, उसके लिए आप अपना ओपिनियन लिखिए, ज़रूर जो एग्जामिनर होता है वो अपना ओपिनियन आपसे देखना चाहेंगे, आप इसमें फॉर में हैं, अगेंस्ट में हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए। उसके बाद यू नेवर नो व्हिच साइड ऑफ स्टोरी विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन इन दिस एग्जाम, इट ऑल्सो हेल्प द GDNP, तो ये हमेशा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, योर एसे शुड बी गिव एन इंप्रेशन दैट यू थॉट प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। आपका जो ऐसे है वो एक फ्लो में होना चाहिए, एक इम्प्रेशन जाए कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे एंड फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये नहीं आप फ्लो में नहीं है, इसके बाद वो दे दिए, कोई लिंक अप नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहे। और हमेशा याद रखिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने कितने वर्ड्स लिखे वो नहीं, आप अगर 200, 250, 300 वर्ड्स भी लिखते हैं लेकिन आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आपने जो रेलिवेंट पॉइंट है उसी को दे हैं, रेलिवेंट बात नहीं लिख रहे, तो एक छोटा सा ऐसे भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हेन एवर देयर इज अ चॉइस डू नॉट सिलेक्ट अ डिफिकल्ट टॉपिक। तो क्या है, आपको 4 ऑप्शन मिला है, आपको एक लिखना है, आप सबसे डिफिकल्ट मत लीजिए, जिसमें आप ज़्यादा फैमिलियर हैं और आप फैक्चुअल डेटा दे सकते हैं उसी को आप चूज़ कीजिए, ठीक है, ये ज़रूर देखिएगा। आपका जो ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर ज़रूर इसको अच्छा से कीजिए, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, व्हाट इज़ द नीड, क्या प्रोज एंड कौन से टॉपिक का, मेन बॉडी दीजिए, एक्सप्लेन योर प्लान, नीड टू डू योर रिसर्च अच्छा से करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च एक्सप्लेन जो भी है, एंड गुड कंक्लूजन, ये करेंगे तो आपका ज़रूर अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, सबसे ज़्यादा है आप पढ़िए और उस टॉपिक को लिखिए, सबसे बेस्ट है,
आप कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको ड्राफ्टिंग में आप कन्वर्ट कीजिए, उसको लिखिए अपने मन से जो आ रहा है, आप उसको पढ़ने के बाद उसको लिखिए। जितना आप लिखने में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कोई भी अननोन टॉपिक होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी टॉपिक आपको दे दे, ठीक है, ऐसे का आपको देखें आप कोई अननोन एकदम टॉपिक आ गया, ऐसे का आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉपिक के ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं रैंडमली आपके दिमाग में उसको लिख लेना है। आपने पेन पेपर में लिख लिए, आप उसको रैंडमली लिख लिए, ठीक है। जैसे आपको करप्शन, तो व्हाट इज़ करप्शन, हाउ इट हैपेंड, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द इंडियन रैंक इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, जो भी है उसका क्या प्रोज है, क्या कौन से, आप पूरा उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको आपको अरेंज करना है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूशन में। आप उसको क्या है, एक एक पॉइंट उठाइए और आप उसको एक्सपैंड करते रहिए, तो आपका जो है ऐसे एक अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड प्रेसी में आते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको वोकैब बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर, जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा। यहाँ स्पीड इज़ द की, आप ये हमेशा जानिए, इंग्लिश कंप्रिहेंशन में आप स्पीड से पढ़ रहे हैं एंड उसका अंडरस्टैंडिंग है तो आपको फिर आंसर करने में बहुत ही कम समय लगेगा। अगर आप उसको समझ ले रहे हैं, उसको अच्छा से आप मतलब वो एक रीडिंग फास्ट हो गया, उसको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा उसका लैंग्वेज आप ये नहीं आप कॉपी पेस्ट कर दिया, आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हुआ वहाँ उस जो लैंग्वेज लिखा है वही आपने लिख दिया। आपको करना क्या, आपको ओन लैंग्वेज में, आपको खुद लैंग्वेज में, आपका जो खुद का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखना है। आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है कॉम्प्रिहेंशन से उठा के, तो इससे आपको मार्क्स अच्छा मिल सकता है। टाइम इज़ अ की, टाइम को मेंटेन कीजिए। अगर आप ज़्यादा टाइम पैसेज में दे देंगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसीलिए आप जितना फास्ट रीड कर सकते हो उतना अच्छा है। अपना सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, अपना मेथड बनाइए आप, क्योंकि ये मेथड सबका अलग अलग होता है। आप कैसे, तो ये अच्छा से देख ले, कोई करता है क्या, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते उसके बाद आप पैसेज में जाते, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपका खुद का चॉइस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोग प्रेसी की बात करें तो देखिए प्रेसीज में करना क्या है, आपको प्रेसी में करना क्या, आपको देखिए पैसेज दिया रहता है ऑलमोस्ट 1/3, अगर 600 वर्ड्स का दिया होगा तो आपको ऑलमोस्ट 182-200 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप घर में भी क्या कीजिए, कोई भी टॉपिक उठा के उसको पढ़ के उसको अपने लैंग्वेज में उसको छोटा करके जो जो 11 पॉइंट्स होंगे उसको हटा दीजिए, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको हटा के उसको शॉर्ट करके आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए, तब जाके आपका प्रेसी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ये हमेशा दिया दीजिए, आपको खाली ये नहीं करना जो प्रेसी दिया हुआ है उसको शॉर्ट करना है, आपने उसको जस्ट ऐसे राउंड राउंड कर दिया, ये मुझे देना है, ये नहीं देना है, फिर ये देना है, ये नहीं देना है, ऐसे करके आपने बना के उसको ही लिख दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने चूज़ किया इसको आप अपना लैंग्वेज में जो मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज होता है उसको आपको हाईलाइट करना होता है। तो ये ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका ये अच्छा क्लियर होगा। तो इसमें देखिए 50 मार्क्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपका जो ओवरऑल रैंकिंग, जो सिलेक्शन होगा वो तीनों मिला के होगा, टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू। तो इसमें भी 50 मार्क्स में अगर अच्छा आप स्कोर करेंगे तभी आपका चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड एंड गेटिंग दिस जॉब इज़ मोर फर्म। तो ज़रूर इसको भी हल्का से मत लीजिए, 20 फरवरी में अभी टाइम है तो आप अच्छा से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो एक्सपेक्टेड टॉपिक में दे दूंगा, तो ज़रूर उसको देखिए। तो टिल देन, गुड बाय।